अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आज मैं कंडेंस मिल्क या इवेपोरेटेड मिल्क बनाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मिल्क। मैंने अभी पहला कप डाल दिया और बाद में मैं हाफ कप डाल दूंगी। उसके बाद आप चीनी डाल दें। अगर आपको अनस्वीटेंड पसंद है तो आप चीनी स्किप भी कर सकते हैं। फिर एक कप स्पैचुला लें। आप उससे इसको कंटिन्यूसली स्टीर करेंगे जब तक ये बन नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स ना बने इसलिए हम इसको स्टीर करेंगे। या आप इसके, अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं स्पैचुला ही यूज़ करूँगी। जब हमारा दूध बॉईल हो जाएगा तो हम उसके अंदर अब पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाल देंगे। ज़्यादा भी नहीं डाला और कम भी नहीं डाला, क्योंकि आप ज़्यादा डालेंगे तो आपका जो होगा कंडेंस मिल्क वो ख़राब हो जाएगा। फिर हमने इसको काफ़ी देर तक करना है जब तक ये इसका जो मिल्क है वो इवेपोरेट नहीं हो जाएगा और ये कंडेंस्ड फॉर्म ही नहीं आ जाएगा। तब तक इसको हमने पकाते रहना है और जब ये थिक हो जाएगा तो इसकी हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है, और जब इस तरह की इसकी हो जाएगी तो हमने चूल्हा बंद कर देना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा और हमें इस तरह का ही कंडेंस्ड मिल्क चाहिए जिसको हम अपनी स्वीट्स में यूज़ कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।